Now, our next question is question number 3. A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. ठीक है, तो अगर मैं इसको आपको एक स्टोरी की तरह बताऊं, स्टोरी इन द सेंस की कंसेप्चुअली इसमें क्या कहा गया है कि एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे क्या है ऑरेंजेस है, इसमें बहुत सारे क्या है, चलो ऑरेंज कलर से ये सारे आपके क्या है ऑरेंजेस रखे हुए, ठीक है, इसका इंस्पेक्शन किया जा रहा है। इंस्पेक्शन का कंडीशन क्या, क्राइटेरिया क्या है कि हाँ भाई ये बॉक्स ठीक है, इसको आगे सेल के लिए अप्रूवल कर दिया। उसका क्राइटेरिया ये है, इफ ऑल द भाई आप इसमें से रैंडमली कितने ऑरेंज सेलेक्ट कर रहे हो, 3 निकालोगे, और 3 ऑरेंजेस जो आप सेलेक्ट करोगे वो कैसे होंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो मैं बोलूं यहां पर भी कंडीशन आ गई, यानी पहला ऑरेंज जो निकाल दिया वो वापस नहीं, वो सही भी बात है, पहला निकाल के वही डाल दे, पता लगे दोबारा वही हाथ में आ गया, आपको पता लगे बाकी संतरे सारे खराब थे। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, जो आप संतरे निकालोगे वो तीनों के तीनों क्या है अच्छे हैं, तो बॉक्स को अप्रूवल हो जाएगा, अदरवाइज आप इस बॉक्स को क्या कर दोगे, रिजेक्टेड, भाई ये डब्बा खराब है, इसको हम आगे सेल नहीं करेंगे। ये कहानी क्लियर, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, तो टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, टोटल ऑरेंजेस कितने हैं 15, आउट ऑफ दिस 12 आर गुड, जिसमें से 12 क्या है ठीक है, आउट ऑफ दिस 12 आर गुड, तो गुड ऑरेंजेस कितने हैं, वो है 12, तो बैड कितने हो गए 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए कि बॉक्स जो है वो आपका अप्रूवल हो जाए सेल के लिए, समझ में आ गया। तो देखो पहला पहला ऑरेंज आपका गुड हो, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग जी बाय, तो क्या होगा 12/15। अब जो ऑरेंजेस निकाला वो वापस वो नहीं डाला, तो सेकंड ऑरेंजेस भी वो भी गुड ही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 11/14। थर्ड ऑरेंज भी आपका गुड ही निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/13। पहले बताओ ये क्लियर, क्योंकि जो ऑरेंजेस आप निकाल रहे हो वापिस नहीं डाल रहे, तो कहने से इधर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो हो गए तीनों का इंटरसेक्शन, बिकॉज आई नीड दिस एंड दिस एंड दिस, राइट, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर हुआ, चले आगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे, लेट ए बी एंड सी बी द रिस्पेक्टिव इवेंट दैट द फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, ये क्लियर, ठीक है। देन टोटल ऑरेंजेस कितने हैं आपके 15, नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस कितने हैं 12, नंबर ऑफ, प्रेजेंटेशन प्रॉपर वे में देनी है आपको, ठीक है। अब फर्स्ट ऑरेंज गुड हो, फर्स्ट ऑरेंज गुड हो उसकी प्रायोरिटी क्या है 12/15, क्योंकि गुड ऑरेंजेस आपके 12 ही है। एज ऑरेंजेस आर नॉट रिप्लेस्ड, ये कंडीशन आपको मेंशन करनी है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नेक्स्ट ऑरेंज सेकंड ऑरेंज गुड वो क्या होगी 11/14। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग थर्ड ऑरेंज गुड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके 10/13, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फर्स्ट ऑरेंज गुड इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, तो ये हो जाएगा आपका 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/15, ये क्लियर हो गया। उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा लाइक 3/4 = 12, 3/5 = 15, राइट, देन 2/7 = 14, 2/5 = 10, 5 से 5 कैंसिल, तो 11/4 = 44 और 13/7 = 19, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, इज इट क्लियर, ठीक है।